एवरीवन, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मामा। रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी उसके न्यूबॉर्न बेबी से मिलने और शी वाज वेरी फेयर एंड सुपर क्यूट। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि ही इज लकी बिकॉज उसकी बेटी अपनी माँ पे गई है ना कि उस पे, बिकॉज द मॉम इज ऑल्सो वेरी फेयर। और मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये भी कहा कि तू भी बहुत लकी है, तेरे बेटे भी काफ़ी फेयर है। इस पूरे कन्वर्सेशन से एक बात मुझे स्ट्राइक हुआ कि आई गेस ज़्यादातर पेरेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यही प्रे करते होंगे कि उनके बच्चे गोरे हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक बच्चा गोरा कैसे होता है या फिर एक बच्चे का कम्प्लेक्शन फेयर क्यों होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि ना सिर्फ बच्चे के स्किन का कलर या उसका कम्प्लेक्शन, बल्कि उसके आँखों का कलर, उसके बालों का कलर या फिर उसके नोज की जो शार्पनेस है, आँखों की जो साइज है, उसकी हाइट, ये सब कुछ जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, मतलब माँ और बाप से आए हुए जीन्स पे। तो हम कह सकते हैं कि अपना रंग एक इंसान अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि दो सिबलिंग्स के कम्प्लेक्शन कभी कभार डिफरेंट क्यों होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मेरे फ्रेटर्नल ट्विन टॉडलर्स हैं और उन दोनों के स्किन के कलर में भी काफ़ी फर्क है। तो ये इसलिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जो डैड है उनके जीन्स डोमिनेंट होते हैं, तो बच्चे का शायद रंग या फिर उसके फीचर्स, उसकी हाइट, वो ज़्यादा अपने डैड पे जाए। कभी कभार क्या होता है, माँ के जीन्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, तो बच्चा माँ की तरह दिखता है, चाहे उसका कम्प्लेक्शन हो गया या उसके फीचर्स हो गए। और कुछ मामलों में एक बच्चे के जो फीचर्स हैं वो माँ और बाप दोनों का एक मिक्सचर होता है, मतलब उसकी नाक अगर आपकी तरह शार्प हो तो शायद उसकी आंखें अपने पापा की तरह छोटी हो, अगर उसका हाइट अपने पापा की तरह लंबा हो तो आपकी तरह शायद उसे उसका कम्प्लेक्शन मिला हो, इस तरीके से। और कभी कभार हो सकता है कि उसकी रिजेम्बलेंस काफ़ी ज़्यादा अपने नाना नानी या दादा दादी से हो। इन सब के पीछे ये जीन्स और जेनेटिक्स ही काम करता है, क्योंकि मैटर्नली या पैटर्नली जो भी जीन्स उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं, हो सकता है कहीं कुछ फीचर वो भी डोमिनेंस कर जाए और बच्चे में वो दिखने लगे। हमारे देश में फेयरनेस के प्रति एक बहुत बड़ी कमजोरी है या क्रेज है, ये मैंने आपको अपने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। मतलब एक बच्चा अगर डस्की पैदा हुआ तो अक्सर माएँ क्या करती है, बहुत ज़्यादा पाउडर पोत देती है उनको। इसके भी काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताए हुए हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी एक महिला को कहा जाता है कि आप केसर वाला दूध लें या फिर नारियल पानी पिए, नारियल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इनसे आपका बच्चा गोरा पैदा होगा। बट सैड टू से इनका आपके बच्चे के रंग से साइंटिफिकली कोई एसोसिएशन नहीं है। नो डाउट ये जो भी फूड आइटम्स अभी मैंने मेंशन किए ये काफ़ी हेल्दी है, ये आपको और आपके बच्चे को काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स दे सकते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, आप इनको खाइए, लेकिन ये सोचकर नहीं कि ये आपके बच्चे को गोरा बनाएगा। मेरी एक व्यूअर ने एक बार मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि उनके फ्रेटर्नल ट्विंस का स्किन कलर काफ़ी डिफरेंट है, एक बच्चा बहुत फेयर है जबकि एक काफ़ी डस्की, और इसे लेकर उनके आसपास के लोग काफ़ी कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं। उन्होंने मुझे ये पूछा था कि उनको बहुत बुरा लगता है जब उनके आसपास के लोग, वो भी काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स, ये कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग करते हैं जस्ट बिकॉज उनके दोनों बच्चों का स्किन कम्प्लेक्शन डिफरेंट है। तो इतना क्रेज है हमारी कंट्री में रिगार्डिंग दिस फेयरनेस। ऐसी काफ़ी बातें मैं भी सुन चुकी हूँ अपने बच्चों को लेकर। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में है जियान, काफ़ी फेयर है ये और इसमें मेलानिन तो जैसे है ही नहीं, और मेरी स्किन टोन से जियान की स्किन टोन काफ़ी डिफरेंट है। अब इसके स्किन कलर के लिए मैंने कोई केसर वाला दूध नहीं पिया था, क्योंकि वहीं आप अगर मेरे दूसरे ट्विन बच्चे को देखेंगे वियान, उसका कलर थोड़ा सा डस्की है, काला तो नहीं है लेकिन जियान जितना गोरा भी नहीं है।
यहाँ पे जेनेटिक्स फिर से एक रोल प्ले करता है। सिब्लिंग्स का तो छोड़िए, आप फ्रेटर्नल ट्विंस में ही अगर ये डिफरेंस देख सकते हैं तो यहाँ पे भी आपको समझना होगा कि जीन्स ही एक रोल प्ले कर रहे हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ये जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा कि इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो नॉर्मल सिब्लिंग्स की तरह ही होता है। और हो सकता है एक बच्चे में एक पेरेंट का जीन डोमिनेंट हो जाए और दूसरे में दूसरे का, और यही रीजन है इनके बीच ये कलर डिफरेंस का। जियान के पापा काफी गोरे हैं, उसकी दादी काफी गोरी है, तो शायद ये उसके डैड के जीन्स का डोमिनेंस है जिससे उसे ये स्किन कलर मिला है। वही अगर मैं वियान की बात करूं तो उसमें मेरे ट्रेड्स थोड़े ज्यादा डोमिनेंट है, तो उसके स्किन की कम्प्लेक्शन मेरी तरह है। ये आपके हाथ में नहीं है, कुछ खाने से, कुछ पीने से, कुछ चेहरे पे लगाने से बच्चा गोरा नहीं होता है। और जिन भी पेरेंट्स को ये क्रेज है कि बच्चा गोरा होना चाहिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि गोरेपन के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जो बच्चे गोरे होते हैं या जनरली भी जो लोग गोरे होते हैं उनके बॉडी में मेलानिन नामक जो पिगमेंट है वो काफी कम होता है, और मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो काफी मात्रा में डस्की लोगों में मिलता है और ये आपको सन रेज से प्रोटेक्शन देता है। एक गोरा बच्चा या एक गोरा इंसान जब धूप में जाता है उसको स्किन डिजीजेस या फिर एलर्जीज, इरप्शंस, यहाँ तक कि स्किन कैंसर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर डस्कियर। और अगर हम वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन को देखें तो हर जगह के लोगों का कलर उस एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए डस्कियर स्किन जो टिपिकल इंडियन स्किन है वो बेस्ट है, इसलिए ज़्यादा इस कम्प्लेक्शन के बारे में मत सोचिए। प्रे कीजिए कि आपको एक हेल्दी बेबी हो, फिजिकली एज वेल एज मेंटली हेल्दी बेबी के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं वो आप लीजिए। रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स पे जाइए, डॉक्टर से मिलिए, उनके जो भी एडवाइस है उसे मानिए, टेस्ट स्कैंस जो भी वो कहते हैं वो कीजिए। जरूरी है कि बच्चा फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी हो, ना कि गोरा। तो आपको यहाँ तक ये तो समझ आ गया होगा कि आपका बच्चा गोरा होगा या नहीं ये आप डिसाइड नहीं कर सकती, ये जीन्स डिसाइड करते हैं। और ये जेनेटिक्स एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक ही पेरेंट्स के काफ़ी डिफरेंट कम्प्लेक्शन के बच्चे हो सकते हैं। सदियों से जो हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में ये एक फेयरनेस की क्रेज है या इसके प्रति दुर्बलता है, आई फील हमारे इस एरा के पेरेंट्स को उससे बाहर आना चाहिए। इसी नोट के साथ मैं आज के वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी जल्दी ही मिल जाएगी। सी यू सून, टिल देन टेक केयर।